कोराना में जिनके माता पिता नहीं रहे उनकी 2500 रुपये महीना पेंशन है उन बच्चों की, जिनके माता पिता नहीं है, अपने बांसूर में भी है, और उनके परिवार में एक जने को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान भी गहलोत साहब ने किया है, एक जने को सरकारी नौकरी दी जाएगी उसमें से। बेटी 18 साल की हो गई तो 5 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे, उसके खाते में आ गए अपने जो बांसूर की है बच्ची। तो एक एक योजना, और भी कोई बाकी भी बचा है, बुजुर्ग आदमी तो यही सोचे और कह रहे हैं मेरे को मैडम अब क्या, तो अभी 1000 करिए, अगली बार सरकार बढ़े तो तू तो 2000 हमारी पेंशन करा दी, और तो किम करे जो करे। तो ये एक इच्छा रखते हैं, कामधेनु योजना हो, एक एक योजना सरकार की लाभकारी। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे बांसूर में चाहे हरसोरा वाला रोड बना हो, चाहे माता तक चारों तरफ से रोड बनाने का काम किया हो, नगर पालिका में हमको 20 किलोमीटर रोड मिला, तो ये सारे काम नगर पालिका इसीलिए खुलवाई, और किले के लिए भी 7 करोड़ के लगभग रुपए हमने मंजूर कराए मनसा माता का मंदिर के लिए, कि दूर से दिखे कि बांसूर भी कोई एक कस्बा है हमारा, और जिला नजदीक बनी गया अब कोटपुतली। ताल वृक्ष के लिए भी करवाया 4.5 करोड़ रुपए अपन ने, तो ताल वृक्ष में भी नहाने का महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, ऐसी सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आप तोल के देख लो, 70 साल का काम एक तरफ, और मेरा इस साल का सड़कों का काम हो, 5 साल का काम देख लो। अभी जो नया नवीनीकरण मंजूर हुआ है नई सड़क से, खेड़ा शामपुरा होता हुआ नीमूचाना ये रोड भी हो गया, बबेड़ी वाला भी स्वीकृत हो गया जो टूटा फूटा पड़ा था, जितने भी टूटे फूटे रोड हैं वो सारे के सारे अभी नवीनीकरण में स्वीकृत होकर आगे टेंडर हो गए, उनका भी हम अभी जल्दी उद्घाटन कर देंगे। मैंने उद्घाटन कम करें काम ज़्यादा करें, तो काम करने में विश्वास मेरा है। हो सकता है मैं किसी के शादी में, कुआ पूजन में, जन्म परण मरण में नहीं आई हूँ, लेकिन काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और 36 कौम का आदमी बांसूर का, 36 बिरादरी का कर्मचारी थर्ड ग्रेड, और जो कि 2 साल ना हुई वो उसको छोड़ करके नई नौकरी लगी है, और थर्ड ग्रेड जिनके बैन निकले, उसके अलावा 36 बिरादरी का कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं है, एक भी। मन से कह रही हूँ मैं, पीछे से नहीं कह रही हूँ, मन से कह रही हूँ, कोई ये नहीं कह सकता, बस एक ही लगाए जब कोई। अब चुनाव आ रहे हैं, मैंने 6 महीने पहले ही कह दिया था दारू भी बटेगी, रुपये भी बटेंगे, कहने 10,000 रुपया दे, तू गोली चला, तू लाठी मार, तू गाड़ी काट, तू लड़ाई कर, तू सिर फोड़, फिर ना के करेंगा। हम तो करते नहीं है, शकुंतला रावत थोड़ी करती है, मैं तो करती नहीं हूँ किसी के साथ। रे गुजर करगा रहे गुजर करगा रहे, ये लगाएंगे। अब आपने सुना जितने भी मेरे सम्माननीय नेतागण हैं चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव तो चुनाव होता है, अगर कोई लड़ेगा नहीं तो चुनाव कैसे होगा मेरे सामने। हर आदमी क्या कह रहा है, शकुंतला रावत अय्या की साड़ी पहरे छे, शकुंतला रावत अय्या की खुशबू लगाए छे। अरे कई तो बूढ़ा बड़ा बैठा छे, 1995 को पार्षद चुनाव लड़ो, वाई साड़ी आज छे, वाई काल छी, या अय्या की अय्या की सूती साड़ी छे, कौन सी टाटा की छे, या तो मैंने बेरोगो ने अभी कोई परिवर्तन तो दी कौन रहे हो, कि भाई और कोई बढ़ो, कोई मेरे कोई लंबाई बढ़ गई है कि मैं बढ़ गए हो, मेरे कद जरूर बढ़ा है। अब वो महिला का कद बढ़ना वो सहन नहीं हो रहा, अरे महिला तो साड़ी पहरेगी ना, और के हीरा मोती पहरेगी भाई, या घाघरा लुगड़ी पहन लेगी, अब मैं सदा से यही पहनती आई हूं तो वही पहन रही हूं, कोई बदलाव तो को ना। पर शकुंतला रावत अय्या करती हूँ, शकुंतला रावत अय्या क्यों ना कहें, कॉलेज खोल दी शकुंतला रावत, अस्पताल खोल दियो शकुंतला रावत, उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया शकुंतला रावत, नारायणपुर तहसील बना दी शकुंतला रावत, उपखंड बना दिया शकुंतला रावत, सड़कें बना दी, ये क्यों नहीं कहते, ये तो कहते नहीं है। सबका एक ही मुद्दा है कि बस यह ना दिखनी, चाहे और चाहे कोई गधो घोड़ो हाथी घोड़ो किमी बन जाए, बस शकुंतला रावत ना, और पीछा से क्या करेंगे, अरे एन एन हटा दो, गुजरी ना हटा दो, और चाहे कोई बना दो। अब मैं किम करूँ चुके, मैं बता दो कहने गाड़ी काटूँ चुके भाई,
भाई मैं गाली काटू ना, मैंने कोई गाली काटे ही छेन दिन भर शाम तक फोन पे भी ये रंड कैडे बड़गी बिजली को ना रही एंड मरे ना ट्रांसफार्मर कौन मिल रहा छाए करांगा एंड बिजली कौन छूट रही यही तो कोच मैं ही सुनू छू। मैं तो कहने किन भी ना कही मेरे अंदर ममता है, बहन भी हूं बेटी भी हूं। मैंने कभी किसी को भाषण में हो चुनाव में वोट के लालच में हो कभी किसी का बुरा नहीं करा और करूंगी भी नहीं, जितना हो सके काम करेंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि ये बिल्डिंग बने अस्पताल की, ट्रोमा वार्ड बने, ये बढ़िया बने, अच्छा बने, इसमें सीटीसी स्कैन हो, इसमें एमआरआई मशीन हो। जब गांव का आदमी किसी माई बेटे के लाल को सड़क पे से उठा के लाए तो वो उसकी आंख का आंसू सूख जाना चाहिए, वो बच्चा ठीक होके मेरे अस्पताल से जाए, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी एक इच्छा है। मेरी आत्मा रोती है जब ये गिरते हैं ना तेज मोटरसाइकिल चला और मोबाइल में लीड लगा लें से काना में, और कहे तो मुझे मैडम यही कहेगी, अरे मैडम इसलिए कहती है उसकी आत्मा रोती है। तो मैं यही चाहती हूँ आपको मुझसे अच्छा लगे, कई कहेंगे यहाँ गांव में घुस जा तू देख नू कर दिया। अरे ये क्यों अपने आप को यूं कर रहे हो, खुद को ही, खुद की जीभ को और खुद के दिमाग को दूसरों के कहने से क्यों कर रहे हो। अरे तू एमएलए तू ही छाग लो एमएलए, बस अब के एने शकुंतला ना रहा दे आग लो, तू नहीं बनाऊंगा अब के तू मेरे साथ दे दिए। अरे ऐसे बनते भाई, सुबह से शाम तक, सुबह घर से निकलती हूँ शाम तक ऑफिसा में जानो, काम स्वीकृत कराना, सीएमओ में जाऊं, ये कर मेरे बांसुर में ये चाहिए, मेरे बांसुर में ये चाहिए वो चाहिए, सारी चीजें करना एक लाकर के काम में। मेरे से पहले विधानसभा में नहीं थे क्या कोई एमएलए मंत्री, सारे मंत्री बने, क्यों कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरे बांसुर के जनता को अस्पताल की जरूरत है, मेरे कस्बे को नगर पालिका की जरूरत है सड़कें बने, मेरे नारायणपुर एक कस्बे को कस्बा बने, तहसील बने, एसडीएम बने, क्यों नहीं कहा। उनको कोई मतलब नहीं है काम से कि कॉलेज हो वहां, बच्चियों का कॉलेज हो और ये दोनों के बीच में बनाया अस्पताल, क्यों नहीं कहा। क्योंकि वो जानते हैं कि जनता को भ्रमित करेंगे, भाषण देंगे, ये गुजर है, ये हीर है, ये बामण है, ये बढ़िया है, ये राजपूत है, लड़ा लड़ू के वोट लेकर बांट देखो, 5 साल रोता डोलो, फिर कोई पूछे को नहीं था। उनको पता है ये इस तरीके का माहौल बनाते हैं। भाई वोट है आपके पास, अधिकार है, आप स्वतंत्र हो। ये तो है नहीं कि मैं थाने जेसीबी से ठार वोट ले जाऊंगी, भाई जेसीबी से कोने उठे, क्रेन से भी कोने उठे वोट, तो इतना भारी वोट से और हड़को भी इतरो से जचे जेड़े मन ने बना लो, कोई किमी दे बना है तो ले लो धर लो, रिश्तेदार आए टीको करो, विदा करो, खीर चूरमो बनाओ। मैं तो थारा आगे के करूं छू, एक वे कहने मांग कर साड़ी पहरे छी, मांगती डोले छी, अरे मेरा बीरो में तो आज भी मांग रही छू 2023 में और दे दियो तो रहो से विकास और हो जाएगा, वोट को मांगे ही से नेता, तो नेता का काम यही है। वो क्या साड़ी मांग मांगर पहरी छी, तो मैं तो अब भी मांगर पहरू छू, अब भी ये दे छे, अब भी ये दी छे उन्हें प्रकाश ने दी छे, या साड़ी दी छे वो पहर राखी छे, तो अब भी मांगो ही छू। अब कौन सी मैं ऊंडी से ले रहा रही बाहर से, या प्रकाश समदन लागे छे या तो पर या ले बाड़ी भी छे दे बाड़ी भी छे, और वह ऊंडी ने बैठी रोशनी वा भी दी छी मैंने एक साड़ी, तो फिर अहिया किया सरती बैठी छे ऊंडे यादव वा भी दी छे मैंने, तो रे सर्दी तू बोला कि ना, तो मैंने तो दे ही छे, तो थम सारी जने मजबूत रहो, तो तुम सारी एक हो जाओ और अन्य कह दो उनके थारा कोई विकास कराए हो तो बता दो, मारो तो उनके इंद्रदेव भी स्वागत करवा टा रहे हो चेरे कि मैं तो सोचो समझो अन्य कह दो ते बदल मना जायो। आप सभी से मेरी यही विनती है कि अब आपको तरह तरह के कोई लड़ाई झगड़े करा करू के कस्बे में और ये हवा फैलाने का काम किया कि ऐसा हो रहा है गुजर है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी एक दिन एक कोई फोन पे कह रहा था अरे आपके वहाँ गुजरी है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो कैसे हो जाए, क्यों किसके काल में नहीं हुए। ये समय है,
कौन से काल में नहीं हुए मुझे तो वो बता दो, कौन सा काल में छोरी ना भागी, लुगाई ना भागी हो, कोई मरिया ना, एक्सीडेंट ना हुआ, कोई गयो को ना। ये संसार की अम्मा को बेटा मार रहा है, उसमें शकुंतला रावत क्या करेगी भाई?